गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ है कि अभी शादी के पहले सेक्स करना नहीं करना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अच्छा है कि बुरा है वगैरह, ये सवाल बहुत ही इरिलेवेंट हो गए। मेरे पास में आने वाले जो नौजवान हैं लड़के, उन्होंने 99.9% लोगों ने सेक्स किया हुए रहता है, टेस्ट किया रहता है कि अपन है कि नहीं है मर्द। उनको गर्लफ्रेंड रहते हैं, लड़कियां आती उनको बॉयफ्रेंड रहते हैं, और फिर वो उनको लेके आते लड़कियां बॉयफ्रेंड, क्योंकि देखो इसका मतलब जैसा चाहे ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है। लड़के आते कि देखो मैं कर नहीं पाया या जल्दी गिर गया, तो इसमें फिर ये भी आते कि भाई गलती से कर लिया और अभी प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करना, क्योंकि कंडोम का वापर करना चाहिए। मैं बार बार मेरे वीडियो में बोला हूँ, प्रोटेक्शन भी होता है प्रेगनेंसी से और गुप्त रोग से भी, मर करते नहीं है, जल्दी जल्दी में हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं कंडोम का वापर करेंगे तो नेचुरल सेक्स नहीं होगा, मजा नहीं आएंगी, और फिर उसमें मुसीबतें आ सकती है। यदि प्रेगनेंसी हो गई, मतलब सेक्स करने के बाद में यदि ऐसा हो गया कि पीरियड मिस हो गया, और पीरियड का यदि पीरियड बहुत ही रेगुलर है और पीरियड मिस हो गया, तो डेफिनेटली 5-6 दिन के अंदर ही तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करना जरूरी है। उसकी टेस्ट की किट आती है, वो आप मेडिकल से ले सकते हैं या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ले सकते हैं, और फिर आप टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं कि भाई आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। यदि प्रेगनेंसी है और आपको कंटिन्यू डेफिनेटली नहीं करनी है, शादी होने की बाकी है, तो फिर आपकी उम्र यदि 18 साल के ऊपर है तो डेफिनेटली आप कंसेंट देके आपका अबॉर्शन कर सकते हैं। यदि 18 साल के नीचे है तो आपके जो गार्डियन है उनकी कंसेंट लेके अबॉर्शन कर सकते हैं, मगर अभी अबॉर्शन की नौबत आने तक रुकना नहीं है, तो डेफिनेटली आप पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी वो भी डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही होना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके होना चाहिए, कैसी लेना है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कब लेना है, कितनी लेना है। ये जो पिल्स जो आती है उसमें रहता है मिफेप्रिस्टोन करके जो दवाई रहती है, वो रहती है मिफेप्रिस्टोन दवाई रहती है, और सपोर्ट में उसको मिसोप्रोस्टॉल करके वो अनदर टैबलेट जो केमिकल कंटेंट है वो उसके साथ साथ दिया जाता है। ये अंडर स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरविजन लेना चाहिए। ये 10 वीक्स तक, मतलब प्रेगनेंसी के 10 वीक्स तक ये दवाई काम करती है। ये दवाई से क्या होता है, ये दवाई से यूटेरस के अंदर, मतलब गर्भाशय के अंदर प्रेगनेंसी रुकने में जो हार्मोन्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन, उसको वो सपोर्ट नहीं करती है, वो हार्मोन्स की लेवल कम कर देती है, और यूटेरस फिर गर्भ को अंदर रखने के लिए मना कर देता है, और उसमें फिर एबॉर्शन हो जाता है। अच्छा, ये सेफ है क्या, 100% पॉसिबल है क्या, नॉट 100%। कभी कभी क्या होता है कि गोली लेने के बाद में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग चालू हो गया, आपको लगता है कि ब्लीडिंग चालू हो गया मतलब अभी प्रेगनेंसी नहीं है, और तभी भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है। तो इसमें बेस्ट यह है कि यह दवाई लेने के बाद में, ये पिल्स लेने के बाद में सोनोग्राफी करना जरूरी है कि प्रेगनेंसी अभी कंटिन्यू हो रही है क्या, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको यदि अबॉर्शन करना है तो कर सकते हैं विद ड्यू कंसेंट। तो नहीं तो फिर क्या होगा कि नहीं नहीं हमने तो दवा ले लिया, ब्लीडिंग हो गया, अब इसका मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं है, तो ऐसा गलत फहमी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चलो एबॉर्शन भी हो गया तभी कुछ पीसेस अंदर रह सकते हैं, और बाद में वो अपने सेहत को घातक हो सकता है, तो पूरी कंप्लीटली वो पीसेस निकलना भी जरूरी है, और नॉर्मल पीरियड्स बाद में आना जरूरी है, होते नहीं है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। तो कंसल्टेशन करना सबसे बेस्ट है, घरेलू उपचार नहीं करना है। घरेलू उपचार में कुछ भी बताया जाता है, जैसे यूरिन की टेस्ट करो घर में, और बाद में देखो कि क्या लेवल है, कैसा वो डिसइंटीग्रेशन, मतलब ऐसे फालतू फालतू में जाने का नहीं है, फालतू की वीडियो देखने का नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड वापरो और देखो कि प्रेगनेंसी है क्या, और प्रेगनेंसी है मतलब वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है, तो एबॉर्शन जितना जल्दी करेंगे उतना सेहत के लिए अच्छा होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में अधिक आपको जानकारी चाहिए तो हमारा ऐप है डॉक्टर केळकर हॉस्पिटल, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा, जिसमें आपको सेक्स के बारे में, सभी समस्याओं के बारे में, दवाई कौन सी है, कौन सी दवाई ले सकते हैं, उसकी जानकारी कंसल्टेशन के बाद में मिलती है। आप वो ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और डेफिनेटली अधिक जानकारी ले लो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है,
वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामूजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।